नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज मैं आपको फ्रेंड्स दिल की बर्फी बनाना सिखाऊंगी। मतलब बहुत ही आसान होती है, बहुत इजी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तिल का जो तिल के रोल बनाए थे हमने, उससे भी आसान है ये। तो चलो शुरू करते हैं तिल की बर्फी बनानी। कल मकर संक्रांति है, इसलिए तिल की चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए मकर संक्रांति पर, इसलिए आज तिल की बर्फी बना रहे हैं। सुबह तक सेट हो जाएगी। गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दो। वैसे तो तिल की चीज़ें पूरे साल भी खा सकते हैं और पूरी सर्दियों में भी खाना अच्छा होता है, पर खासकर मकर संक्रांति पे तिल की चीज़ें खाना और दान देना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। इसलिए आज रात को बना रही हूँ और कल सुबह तक जम जाएगी बर्फी, फिर देखना। बहुत ही आसान तरीका है ये। ये तिल मैंने साफ करके ले लिए हैं 250 ग्राम। इनको ड्राई रोस्ट करना है। बहुत 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 आसान रेसिपी है, आप बहुत आसानी से कोई भी बना सकते हैं। लड़का लड़की कोई भी बना सकते हैं, बिगिनर्स हो बच्चे हों, कोई भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। और ये टेस्टी इतनी होती है कि कोई बता नहीं सकता घर में बनाई है बाहर से लाया है। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो अभी बनाना सीख रहे हैं, कुकिंग करना सीख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि जब तिल का कलर बदलना शुरू हो जाए, जैसे सफ़ेद से थोड़े से ब्राउन होने शुरू हो जाए और फिर उसमें चट-चट की आवाज़ आने लग जाए, तो समझ लेना कि तिल भुंज गए हैं। ज़्यादा अगर भून दिया हमने तो फिर ये काले पड़ जाते हैं और फिर कड़वे भी हो जाते हैं, तो बर्फी या लड्डू जो भी हम बना रहे होते हैं वो अच्छा नहीं बनते। अब देखो तिल का कलर ब्राउन हो चुका है, बस हमको इतना ही रोस्ट करना है। अब मैं ये प्लेट में निकाल दूंगी। इसी कढ़ाई में मैं ये एक पैकेट फुल क्रीम दूध है ये डालूंगी। अभी कढ़ाई में, पतीले में, पैन में, किसी चीज में भी कर सकते हो, किसी चीज में बना सकते हो। मेन मकसद दूध को उबालना है और फिर उसको थोड़ा सा गाढ़ा करना होता है, तो आप जिस भी चाहे बर्तन में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आसान रेसिपी इसलिए बताती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं आलसी हूँ, मैं कम मेहनत करना चाहती हूँ, ऐसे मेरे जैसे और भी लोग होंगे, तो इसलिए मैं आसान रेसिपी बताती हूँ। जो ज़रूरी चीज़ है बस वो बताती हूँ मैं। जैसे कोई 10 चीज़ बताता है अपनी वीडियो में, तो मैं जो उसमें से 2 चीज़ मेन होती है बस वो ही बताती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता और ना किसी के पास इतना टाइम है। तो ये तिल जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे अभी, तब मैं इनको मिक्सी में पीस लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी पीस के। आजकल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा जॉब करते हैं, लड़के हो या लड़की हो, तो जब जैसे उनकी शादी हो जाती है तो अपना घर गृहस्थी भी उनको बसाना होता है, तो जॉब भी करनी होती है, तो उन बेचारों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो थक हार के घर पे आते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि इतने ज़्यादा हैवी से हैवी रेसिपी बना सकें और कुछ कर सकें, तो इसलिए हल्की से हल्की बताती हूँ मैं, ताकि जो कोई थका हार अभी हो वो आराम से बना ले इसको। क्योंकि मैं समझती हूँ इस बात को कि अगर मैं जॉब कर रही होती और मैं बाहर से आती थकी आ रही, तो मेरे से भी इतना कोई हैवी नहीं होता जितना बहुत सारी चीज़ें कुछ बनाना कुछ करना होता। तो मैं ऐसे ही समझती हूँ कि और बच्चों को भी नहीं मन करता होगा। मैं इसमें देसी खांड भी अभी डाल रही हूँ, जितना इसको पानी छोड़ना होगा छोड़ देगा। ये अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं मीठा तो कम डालें, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें मीठा, और ठीक ठाक खाना पसंद करते हैं ठीक ठाक डालें। बाकी इसमें गुड़, स्टीविया या शुगर फ्री या जैगरी जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं।
मैं देसी खांड में हम बनाते हैं कोई भी चीज, तो देसी खांड डालती हूँ मैं। मैंने अभी इसलिए डाला क्योंकि जितना पानी, खांड, चीनी, जो भी गुड़ वगैरह जो भी छोड़ते हैं, छोड़ना होगा वो अभी छोड़ देंगे और फिर दूध गाढ़ा हो जाएगा बाद में। अपने जार में तिल डाल के इसको मिक्सी में पीसूंगी। हमारा दूध अब काफी गाढ़ा हो गया है, तिल भी ठंडे हो गए हैं, ठंडे करके पीसना है तिल। पीस गए हमारे तिल, देखो ऐसे ही पेस्ट, ऐसे ही पाउडर चाहिए हमको तिल का। अब ये जो दूध गाढ़ा हो गया काफी, अब इसमें तिल डाल के मिला देंगे और मैं इसमें ये काजू डाल रही हूँ। आप चाहे आपको जो भी अच्छे लगते हो ड्राई फ्रूट डाल दें इसमें। इसको थोड़ा अच्छा से मिला दे, इसमें कोई गुठली ना रहे। अब ये हलवे जैसा बन गया है और अब इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर कढ़ाई में ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी इसको। ग्रीसिंग करने के लिए मैंने देसी घी थोड़ा गर्म किया है, सर्दी में जमा हुआ रहता है इसलिए। तो ये फॉइल पेपर पे ऐसे लगा दें। अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये, जब इसमें डाल के जमा देंगे। अगर आप कल दिन में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको, शाम तक जम जाएगा ये। 3-4 घंटे में फ्रिज में रख देना, 2-3 घंटे में ही जम जाएगा फ्रिज में रखने से। मैं तो इसको ओवरनाइट बाहर छोड़ने वाली हूँ, तो मैंने अभी इसलिए रात को बनाया है। फ्रेंड्स एक बार ये मेरे तरीके से रेसिपी बना के देखना, आसान भी होती है बहुत और स्वाद भी बहुत होती है। जब ये बर्फी जम जाएगी, जब मैं आपको ये काट के दिखाऊंगी और फिर देखना कितनी अच्छी बर्फी जमेगी। फ्रेंड्स ये बर्फी जमे हुए तिल की काफी देर हो गई है, अब देखते हैं जमी है नहीं जमी है। देखने से तो लग रही है कि जम चुकी है ये। अब आप चाहे तो इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस पे पिस्ता या ड्राई फ्रूट या कुछ लगा सकते हैं, पर मैंने ये सोचा कि जितना कम खर्चा हो, कम खर्चे में बने उतना अच्छा है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो सिर्फ ये दूध से और तिल से और थोड़े से मैंने इसमें काजू डाले थे, उनसे बनी है ये। आप भी एक बार जरूर बना के देखना, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बर्फी बनती है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारी बर्फी बन के तैयार है, अब इनको खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और कम खर्चे किया, ज्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें और काफी टेस्टी बर्फी बनती है। और सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने देखा ही था वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो, अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो और आपके लिए पूरा साल अच्छा जाए, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और मेरे चैनल को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको मेरी बर्फी अच्छी लगी नहीं लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। अब आज की वीडियो यहीं तक। नमस्ते, हर हर महादेव।